दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई चिकन। तो ड्राई चिकन के लिए जो हमें सामान चाहिए वो है, हमें चाहिए चिकन मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और आपका जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और आपके दो इलायची, दो लौंग, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी। टमाटर यूज़ नहीं कर रहा तो मैं सिर्फ स्लाइस ओनियन और ग्रीन चिली यूज़ कर रहा हूँ। 100 ग्राम चिकन लिया हुआ है और इसमें मैं मैरिनेट करेंगे हम जो मसाला मैंने आपको दिखाया था। मैरिनेट करके थोड़ी देर रखेंगे 10-15 मिनट और फिर इसको हम चलते भूनेंगे मैरिनेट करने के बाद। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम हल्दी डालेंगे। अब हम जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम चिकन मसाला डालेंगे, मैंने एवरेज का चिकन मसाला यूज़ किया है। अब हम देगी मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चारों तरफ अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मैरिनेशन हो गया, हमने अच्छे से मसाला मिला। याद रखिए चिकन में कट मारी जी, मैंने कट मारा हुआ है लेग पीस में, देखिए मैंने कट मार रखा है। वैसे भी आप कट मारें कि मसाला अंदर तक जाए। और इसको हम कम से कम 15 मिनट नहीं तो आधा घंटा मैरिनेट करके रखिए इसको, तभी जाकर इसका जो फ्लेवर है पूरे अंदर तक जाएगा। हमारा कम से कम मैंने आधा घंटा मैरिनेट करके रखा है। आइए इसको हम भूनेंगे। तेल डालिए, तेल गरम करते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, हम अच्छे से गरम करेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम अपने खड़े मसाले डालेंगे। मैं ज़्यादा मसाला नहीं डाल रहा, सिर्फ दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग डाल रहा हूँ। और इसमें हम अपना अखा मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची को थोड़ा स्लाइस करके काटिए, बीच में से 2 ऐसे स्लाइस करके। अब हम इसमें अपना सीधा जो चिकन मैरिनेट किया था वो डालेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको भूनना है हमें अच्छे से। अब हम अपना स्लाइस ओनियन डालेंगे जो हमने स्लाइस कर रखा था। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सब कुछ मिलाने के बाद आपको एक चीज़ याद रखना है, हमें अपना गैस एकदम लो फ्लेम में रखना है। गैस हमारा लो फ्लेम में होना चाहिए, फिर हम इसको कवर कर देंगे। हर 2 मिनट पर आपको चेक करना है कि कहीं नीचे लग तो नहीं रहा, नहीं चिकन जल तो नहीं रहा। और याद रखिए पानी बिल्कुल नहीं डालना आपको, क्योंकि हम ड्राई पहाड़ी चिकन बना रहे हैं। ये आप देखिए तो प्याज भी गल रहे धीरे धीरे। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे, मैं हर 2 मिनट चेक कर रहा हूँ और आप देखिए हम पानी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा। उसको हल्के हल्के से इसको मिलाइए, अपना नमक टेस्ट करिए, ऐसे देखने के नमक ज़्यादा तो कम नहीं हो रहा, और कम है तो नमक डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। चिकन भूनते भूनते हमें 10 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि प्याज पूरा गल गया है और ये पकने वाला है, बस और 2 मिनट पक जाएगा ये। ये देखिए चिकन ने अपना पूरा तेल छोड़ दिया, प्याज पूरा गल गया है, ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। कम से कम 12 मिनट लगा हमें इसको बनाने में। अब इसको हम एक सर्विंग बाउल में डालते हैं। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। मुझे पता है ये टेस्टी भी बना है, आप भी बनाइए, बहुत आसान सा रेसिपी है ये। ऐसे रेसिपी के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।